आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इस कूलर की मोटर को सीरीज टेस्टिंग बल्ब से चेक करके। ये मोटर चलते चलते बंद हो चुकी है, तो हमें पता नहीं है मोटर किस कारण से बंद हुई है। हो सकता है इसके अंदर की वायरिंग जल चुकी हो या फिर कोई और प्रॉब्लम आई है इस मोटर में। तो हम सीरीज टेस्टिंग बल्ब से इसे घर पर ही चेक करके देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि इसे दुकान पर भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो हम घर पर ही रिपेयर कर देंगे इस मोटर को। और अगर इसकी वाइंडिंग जल चुकी है तो ये फिर इसे हमें शॉप पे भेजनी होगी, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमें चेक करेंगे। इसके चार तार है हमारे पास, तो ये देख लिए 3 पेस की मोटर है, 3 स्पीड की मोटर ये है और इसके चारों कलर के तार हैं। इसमें अलग अलग कलर के तार दिए हुए हैं, तो जिससे हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि जो नीला कलर का तार है, ब्लू तार, वो हमारा अर्थिंग का तार है और बाकी 3 स्पीड के तार हैं। इस तरह से हमें देखने होते हैं हर मोटर में कि कौन सा अर्थिंग का तार है, न्यूट्रल वाला तार है और 3 कौन से स्पीड वाले तार हैं। ये हमें चेक करने होते हैं, उसके बाद ही हमें सीरीज टेस्टिंग बल्ब को लगाना है। तो चलिए अब लगा लेते हैं हम सीरीज टेस्टिंग बल्ब को। तो इस तरह से हमने सीरीज टेस्टिंग बल्ब बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया इसे सीरीज टेस्टिंग बल्ब को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, तो आप वीडियो देखिए और ख़ुद घर पे बनाएं। ये बहुत काम में आता है, इससे हम कोयल की फाल्ट का पता कर सकते हैं। कोई कोयल फाल्ट हो चुकी है तो उसका भी पता कर सकते हैं, और भी बहुत काम आता है सीरीज टेस्टिंग बल्ब। तो चलिए अभी हम कूलर की मोटर को चेक करके दिखा देते हैं आपको। तो इसके जो 2 तार है वो हमें बोर्ड में लगाने हैं, लाइट के बोर्ड में। ये देख लीजिए लाइट का बोर्ड है हमारे पास, तो इसके 2 तार हमें लाइट के बोर्ड में लगा देते हैं। उसे लगाने के बाद हमें इस मोटर को चेक करेंगे, इसके चारों वायर को। तो अभी हमने चेक किया, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है इसका तार, हमें तार सही से नहीं लगा। इस तरह से आप चेक करना है पहले आपको, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बाद ही हम मोटर को चेक करेंगे, क्योंकि ये पहले चेक करना है। इस तरह से ये वर्क कर रहा है, मतलब ये चल रहा है, इसमें पावर सप्लाई आ चुकी है। तो हम इस तार को अब सही लगा देते हैं पहले, और इसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं आपको तो किस तरह से ये मोटर वर्क करती है। हम सीरीज टेस्टिंग बल्ब जैसे लगा, अगर आपके पास 100 वाट का बल्ब है गाइस तो आप 100 वाट का बल्ब यूज़ करें। हमारे पास 100 वाट का बल्ब नहीं था, इसलिए हमने ये फिलिप्स का 7 वाट का बल्ब यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास 100 वाट का है तो आप उसे यूज़ कीजिए, वो बेटर रहेगा इससे। तो ये देख लीजिए, हमने पहला तार न्यूट्रल में लगाया, दूसरा स्पीड में लगा रहे हैं तो वो चल रहा है, और दूसरे तार में लगाया हमने तो ये देख लीजिए सही से नहीं चल रहा है, और इसमें लगाया हमने तो ये देख लीजिए किसी में फुल चल रहा है, किसी में नहीं चल रहा है, और किसी में ये इस तरह से चल रहा है। तो इसका मतलब है इसकी वायरिंग जल चुकी है अंदर से, या कोई प्रॉब्लम आ चुकी है इसकी वायरिंग में। अगर इसकी वायरिंग पूरी अच्छी होती, सही होती, तो ये बल्ब 3 स्पीड पे वर्क करता, अच्छे से चलता है, लेकिन ये चल नहीं रहा अच्छे से। इस तरह से हमने चेक किया इसे, और इससे यही पता चलता है कि इसकी मोटर में फॉल्ट है या इसकी वाइंडिंग है वो टूट चुकी है कहीं से, इसमें अंदर से कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इस सीरीज टेस्टिंग बल्ब से चेक करने के बाद हमें इस तरह से पता चल जाता है। और मान लीजिए आपकी जो मोटर है उसमें अगर न्यूट्रल का तार हमें पता नहीं चलता है, तो आपको पहले एक तार को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद 3 तार जो बच रहे हैं आपके पास उनमें लगा लगा कर देखना है आपको, क्योंकि बल्ब जब भी चलेगा जब पहला तार न्यूट्रल में लगा होगा और बाकी दूसरा तार स्पीड में लगा होगा। अब आप मान लीजिए दोनों स्पीड में लगाओगे तो बल्ब नहीं वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपकी वाइंडिंग अच्छी होगी तो वर्क नहीं करेगा। तो आपको एक तार क्या करना है, एक न्यूट्रल में लगाना है, दूसरा स्पीड में लगाना है। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है सबको बारी बारी से लगाकर, तो आपका बल्ब काम करने लग जाएगा। अगर जलेगा आपका बल्ब तो आपको सही है न्यूट्रल का तार वो पता कर लेना इस तरह से। तो हमारी वाइंडिंग हमने देख ली है, इसकी जो मोटर की वाइंडिंग अंदर से जल चुकी है। अब इसे हम अगली वीडियो में रिपेयर करके दिखाएंगे आपको। मान लीजिए आपकी जो कूलर की मोटर की वाइंडिंग है वो सिर्फ एक ही वाइंडिंग ख़राब हुई है, जो इसके सलाट होते हैं एक ही सलाट का जो ख़राब हुआ है, तो हम उसे घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से। अगर पूरी वाइंडिंग जल चुकी है तो फिर उसकी पूरी वाइंडिंग होती है
एक वाइंडिंग से काम नहीं चलेगा। अगर एक वाइंडिंग चली है तो उसे आप रिपेयर करके भी इसे मोटर को सही कर सकते हो घर पर ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।